बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम दिशान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको मकई के रेट्स के बारे में बात करनी है कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि इस दफ़ा जो किसान है ये माफिया बन गया है। पहले आड़ती या स्टॉक वाले माफिया होते थे, लेकिन आज के दिन सुनने में ये आ रहा है कि जो किसान है इसने पहली दफ़ा इताद किया है और मकई रोक ली है। आप पीछे देख लें, आड़त के ऊपर मैं खड़ा हुआ और ये मकई देख लें, ना आने के बराबर है। तो इससे तो यही सबक हमें मिल रहा है कि जो किसान है ये पहली दफ़ा इतिहाद कर चुका है और माफिया को शिकस्त देने में कामयाब हो चुका है। तो आज के दिन मैंने आपको मकई के रेट्स के बारे में बताना था। मकई के रेट्स आपको पता है पिछले एक हफ्ते से रोज़ाना की बुनियाद पर नीचे आ रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दो दिन से जब मकई जो है इसकी शॉर्टेज हुई है, मार्केट में आना बंद हुई है, तो मार्केट के रेट जो है वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो आज की जो ताज़ा सूरत हाल वो ये है कि रफान फीड ने आज से दो दिन पहले उनका जो आखिरी रेट था वो 2225 रुपये रेट था, लेकिन कल उनका रेट बढ़ाया 200 रुपया। तो आज अभी तक उनका रेट नहीं है, लेकिन चांसेस सुनने में यही आ रहा है कि उन्होंने 200 रुपये मज़ीद रेट बढ़ा दिया, यानी कि 2600 रुपये तक रफान का रेट चला जाएगा आज 12 बजे के बाद से। तो बाकी जो मंडियां हैं उनका वैसे रेट 27-28 रुपये पहुँच गया है, और इंशाल्लाह मैं तो यही कहूँगा अगर आपके पास मकई है तो आप उसको रोक लें और बड़ी इत्तेफाक सेल करें, इंशाल्लाह आपको 3000 रेट लाजमी मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मैं लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।